In this video, we are going to start English chapter 2 Can a Rock Be Interesting? Uh, characters of this chapter is Chini, her uncle Kishan, her Mom and Dad. So let's start our chapter. Why have we come here, Sammy? This is this place is full of stones and rocks. सेमी हम यहाँ पर क्यों आए हैं ये जगह तो पूरी स्टोन्स और रॉक से भरी हुई है दीज रॉक्स आर सो इंटरेस्टिंग माइक जस्ट टुक अ लुक अराउंड यू मे फाइंड वन विद सम इनसाइड इट माइक ये जगह बहुत सुंदर है ज़रा देखो यहाँ आसपास जितने सारे रॉक्स हैं शायद तुम्हें तो उसके अंदर कुछ मिल जाए हाउ कैन अ रॉक हैव इनसाइड इट एक रॉक के अंदर कैसे कुछ हो सकता है यस इट कैन लेट मी टेल यू हाउ निशा एंड हर अंकल फाउंड सच अ रॉक हाँ हो सकता है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे निशा और उसके अंकल को रॉक के अंदर कुछ मिला था इट वॉज द समर हॉलीडे एंड निशा वॉज विजिटिंग हर अंकल अंकल किशन वॉज अ साइंटिस्ट ही लिव्ड इन द स्मॉल टाउन क्लोज टू द माउंटेन्स एवरी इवनिंग ही वुड हाइक थ्रू द फुटिल्स द डे निशा अराइवड she decided to accompany uncle kishan on his hike she and uncle kishan came across a dried river bed during the hike they decided to walk through it uncle kishan was looking around with interest nisha was wondering what he was looking at suddenly nisha tripped over a rock oh she cried वो गर्मियों की छुट्टियां थी जब निशा अपने अंकल के घर घूमने गई थी अंकल किशन एक साइंटिस्ट थे और एक स्मॉल टाउन में रहते थे जो माउंटेंस के पास था वो हर शाम को हाइकिंग के लिए हिल्स पर जाते थे एक दिन निशान ने अपने अंकल के साथ जाने का मन करा तो वो भी अपने अंकल के संग हाइक पर चली गई जब अंकल और निशा हाइक पर जा रहे थे तो वो एक रिवर बेड की तरफ से गुजरे वहाँ पर अंकल किशन आसपास कुछ ढूंढने लगे बहुत इंटरेस्ट के साथ निशा उनको देख रही थी कि वो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं तभी निशा एक पत्थर पर गिर गई और रोने लगी वॉट हैपन्ड अंकल किशन नास्ट आई एम फाइन निशा सेड आई जस्ट ट्रिप्ड ओवर दिस रॉक शी रब्ड हर अंकल अंकल किशन वाई आर वी वॉकिंग थ्रू दिस प्लेस देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग टू सी हेयर बट रॉक्स निशा सेड तभी फिर जब वो निशा गिर गई तो उसके अंकल पूछते हैं कि क्या हुआ तब निशा कहती है कुछ नहीं अंकल मैं जस्ट बस गिर गई थी मैं ठीक हूँ उसने अपने एंकल को साफ़ किया और अंकल अंकल किशन से बोला कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं यहाँ पर तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है बस रॉक्स ही रॉक्स है आ येस बट यू सी दीज रॉक्स आर इंटरेस्टिंग अंकल किशन रिप्लाइड हूँ इज दिस द रॉक यू ट्रिप डॉन्ट लेट मी सी ही पिकड अप द रॉक अप एंड लुक डेट इट केयरफुली देन ही टर्न टू निशा एंड सेड कम निशा लेट्स गो बैक एंड आई विल शो यू हाउ इंटरेस्टिंग अ रॉक कैन बी हाँ ज़रूर देखो ये रॉक्स कितने इंटरेस्टिंग है अंकल किशन ने कहा जिस रॉक पर तुम गिरी हो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस रॉक में क्या है आओ निशा मेरे साथ चलो ओके निशा रिप्लाइड एज दे स्टार्टेड वॉकिंग बैक तभी निशा ने कहा ठीक है अंकल मैं आपके साथ चलती हूँ वन दे अराइव्ड होम अंकल किशन आग हाउ टू वेट इन द फ्रंट यार्ड द Then he went inside and got a chisel and a hammer, to pairs of safety glasses. फिर अंकल किशन अंदर गए और उन्होंने निशा से बोला कि तुम बाहर ही रुको मैं अभी आता हूँ वो अंदर गए और उन्होंने एक चीजल लिया एक हैमर लिया और दो सेफ्टी ग्लासेस लिए ही sat डाउन एंड हैंडेड निशा अ पेयर ऑफ सेफ्टी ग्लासेस सम रॉक साइड सीक्रेट inside. This दिस इज वन सच रॉक ही सेड पुटिंग ऑन द ग्लासेस फिर वो जब बाहर आए तो वो बैठे और उन्होंने निशा को एक सेफ्टी ग्लासेस दिया और कहा कि कुछ रॉक्स अपने अंदर एक सीक्रेट रखते हैं ये उनमें से ही रो एक रॉक है जिस पर तुम गिर गई थी निशा लुक डेट हिम शी हैड अ पजल लुक फेस ऑनर देन शी पुट द ग्लासेज ऑन एंड सेड हाउ डू रॉक्स हाइड सीक्रेट इन साइड अंकल किशन निशा थोड़ी कन्फ्यूज हो गई और उनकी तरफ देखने लगी फिर उसने अपने ग्लासेस पहने और अंकल किशन से पूछा कि एक रॉक कैसे इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है उसके अंदर तो कैसे कोई सीक्रेट हो सकता है लेट्स फाइंड आउट अंकल किशन रिप्लाइड स्माइलिंग ही केयरफुली यूज द चीज़ल एंड हैमर टू ब्रेक ओपन द रॉक फ्रॉम द मिडल ही पुल्ड द टू पीसीज अ पार्ट एंड सेड लुक निशा एंड टेल मी वॉट यू सी फिर अंकल किशन कहते हैं रुको मैं तुम्हें बताता हूँ फिर उन्होंने बहुत ध्यान से चीज़ल और हैमर के साथ पत्थर को बीच में से तोड़ा और उसके दो पीसेस करे फिर उन्होंने कहा देखो निशा इसके अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है निशा टोकर ग्लासेज ऑफ एंड लुक डट द पीसेज हर आइज वाइड इन सरप्राइज देअर वॉज ए फिश बेरीड इनसाइड द रॉक इज़ डेट अ फिश्ड निशा ने अपने ग्लासेज उतारे और फिर उस उन रॉक के पीसेस को देखा निशा की निशा की आंखें खुली की खुली रह गईं उसने देखा कि उसके अंदर फिश की फिश है फिर वो अंकल कृष्ण से पूछती क्या ये फिश है येस इट इज़ अ फिश अंकल कृष्ण रिप्लाइड तब अंकल कृष्ण कहते हैं कि हाँ इसमें फिश है हाउ डिड इट गेट इनसाइड द रॉक अंकल कृष्ण निशा अगस्ट निशा अंकल कृष्ण से पूछती है कि एक फिश फि एक रॉक के अंदर फिश कैसे आ गई द दैट फिश वॉज अलेव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो अंकल कृष्ण रिप्लाइड वैन इट डाइड इट गॉट बेड इन द दॉयल आफ्टर मैनी इयर्स द सॉयल टर्न इन टू रॉक एंड द फिश स्टिल रिमेन इनसाइड इट सच अ रॉक इज़ कॉल्ड अ फॉजिल सो यू सी वी हैव डिस्कवर्ड अ फिश फॉजिल ये फिश कुछ सालों पहले ज़िंदा थी पर अंकल किशन ने बोला लेकिन जब ये मर गई तो ये सॉइल में ही रह गई काफ़ी टाइम बाद वो सॉइल रॉक में कन्वर्ट हो गई लेकिन फि तब भी फिश उसमें रही इसलिए वो फॉजिल बन गई हम तुम देख सकती हो कि हम लोगों ने एक फिश फॉजिल को ढूंढा है निशा लिसन्ड विद इंटरेस्ट आर दे आर फॉजल्स ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल शी अगस्ट निशा बहुत ध्यान से सुनती रही फिर उसने पूछा कि अदर एनिमल्स के भी फॉसल्स होते हैं यस देयर आर अंकल किशन रिप्लाइड देयर आर फॉजल्स ऑफ मैनी एनिमल्स देट लिव्ड हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर है देर आर प्लान फॉजल्स टू अंकल किशन ने कहा कि हाँ और भी एनिमल्स के फसल्स होते हैं जो बहुत सालों पहले जिंदा थे प्लांट्स के भी फजल्स होते हैं हाउ मैनी फजल्स है निशा ने अंकल किशन से पूछा कि आपने कितने फॉसिल्स ढूँढ लिए अंकल अंकल किशन स्माइल्ड आई हैव सीन माय शेयर अंकल किशन हंसे और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ही फॉसिल ढूँढ पाए हैं आई विश आई कुड फाइंड फॉसिल्स टू निशा सेड विल यू हेल्प मी प्लीज़ निशा कहती है कि काश मैं भी कोई फॉसिल्स ढूँढ पाती क्या आप मेरी हेल्प करोगे ऑफकोर्स आई विल आई आई विंकल किशन रिप्लाइड यू हैव ऑलरेडी फाउंड वन हियर यू कैन कीप इट ही हैंडल द फॉजिल टू हर ऑफकोर्स अंकल किशन ने कहा कि हाँ जरूर तुमने वैसे भी एक फॉजिल ढूँढ लिया ये तुम अपने पास रख सकती हो रिय रियली निशा आग्ड अंकल किशन नोडिड ओ थैंक यू आई कॉन्ट वेट टू गो बैक एंड शो इट टू मम्मी एंड डैडी निशा सैड आई विल टुक इट टू स्कूल एंड शो इट टू माई क्लासेज टीचर टू शी सैड विद अग स्माइल ऑनअर फेस तभी निशा कहती है क्या सच में अंकल मैं अपने पास रख सकती हूँ मैं घर मैं वेट नहीं कर सकती घर जा अपने मम्मी पापा को ये दिखाने के लिए मैं स्कूल जाकर भी अपने टीचर को दिखाऊंगी श्योर एंड वी विल हाइक थ्रू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द माउंटेन टमोरू एंड सी इफ़ वी कैन फाइंड मोर फॉसिल्स अंकल किशन सेड तभी अंकल किशन कहते हैं कि हाँ हाँ ज़रूर कल हम दूसरी तरफ जाएंगे माउंटेन के फॉसिल्स को ढूंढने क्या पता हमें वहाँ भी कोई फॉसिल मिल जाए निशा बीम्ड थैंक्स अंकल किशन आई कांट वेट निशम मुस्कुराती और कहती है थैंक यू अंकल के शनम मैं वेट नहीं कर सकती